सभी किसान भाइयों का राम राम। मैं शेखर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फार्मिंग मास्टर HD पर। किसान भाइयों देखिए, ये बोर्ड था और अब जा कटने के बाद इसमें खरपतवार जम रहा और इस देखो इसमें हड़ पिर रहा। बैल चल रहे इसमें, पहले प्राचीन काल में जो थी बैलों से ही खेती कर रहे थे सभी किसान, कहीं कहीं जोड़ी बैल रख कर रहे थे। और अब भी देख लो किसी किसी गांव में अब भी देखने को मिलता है। तो कुछ कोई मिट्टी से ढक जाए, ये हल्की मिट्टी ऊपर गिर जाए कोई छोटे हों। किसान भाइयों गन्ने को बहुत फायदा हो, हल या कल्टीवेटर कटवाएगा, हल से क्या है जड़ में को जब हल निकले सारी मिट्टी अलग हो जाए, जितना खरपतवार हो सारा पड़ जा। और बताओ वाहन में ही करना चाह सारा, इससे बैलों पर भी ज़्यादा लोड नहीं पड़ता और जो खरपतवार हो उसके नीचे तक चला जाओ हल और सारा ऊपर आ जाओ। एक दो सरा में, एक बार इस साइड में एक बार उस साइड में। दूसरा भाव का मगर टेक्निक हो अलग बैल चलाने की भी। किसान भैया जैसा मैं बता रहा था, प्राचीन काल से हमारे देश में बैलों से ही खेती करते थे और कहीं कहीं जोड़ी बैल लगते थे किसान, आज ये कम मिला है बहुत देखने को। और बैलों के खान पान का बहुत ध्यान रखते थे, उन्हें चने घी तेल वगैरह अलग अलग खुराक देते थे, इससे बैल ताकतवर होते बहुत ज़्यादा। एक वीडियो मैंने पिछले साल डाली थी, देखो आपको दिखा दूं जितना ये जैसा गन्ना है इसके जड़ में को निकाल रखा और ये देखो सारा कबाड़ ढीला खड़ा है, ढीला सारा ऊपर आ गया देखो।
ये सारा सूख जाएगा और गन्ने को फायदा होगा पोस्ट करने में भी और खरपतवार होगा कम। अच्छा जिन पर डले गिर जा आंखों पे मैं उड़ जा काफी दब जा कोई भी इसमें गन्ना छोटा है ना अभी। अच्छा बैला को मुँह पर चिंका बांध दें जिससे वो क्या है जैसा गन्ना खड़ा है वो खा ना सके या कहीं पे अपने काम पर ध्यान दें सीधा। बर देखो ये कितना डला है किसान भाइयों। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ये वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे क्या है मैं आपको कोई भी वीडियो डाल दूँ सबसे पहले आपको उसका लिंक पहुँचे आप देख सकें उसे। किसान भाइयों आप स्वस्थ रहें सुरक्षित रहें। धन्यवाद। राम राम।